हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7। और मैं हूं आपका सुमन साकेत, फिर से आ गया हूं आपका क्लास लेकर। और आज ये जो क्लास हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बेसिकली स्टैंडर्ड 7th के लिए है। और यहाँ पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने कुछ पार्ट जो है उसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट से हमारे देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट के आगे के पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखें, ताकि आपका जो भी रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में आपका जो भी आपका डाउट है एक्चुअली, वो आपका क्लियर हो जाए। बिकॉज ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो मैं बात कर लूँ रेशियो की, या तो मैं बात कर लूँ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की, या तो मैं बात कर लूँ किसी भी रिलेशन की, तो वहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले जो है अपना रोल प्ले करता है। इसलिए आपको ये पढ़ना और ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज के थ्रू भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे आपको कैसे फॉलो करना है, सक्सेस मंत्रा 24x7 के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे कुछ वहाँ पे आपको देखने को और जानने को मिलते हैं। इसलिए आप वहाँ भी हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं आज के लेशन पे के ऊपर, और आज हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। जब किसी रेशनल नंबर की बात की जाती है तो उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमें जानना है कि बेसिकली रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो प्रॉपर्टी जो है वो जो प्रॉपर्टी है कहलाती है इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरह की है जो हमें पढ़ना है इन 7th, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई अगर रेशनल नंबर है, इससे पहले मैं आपको एक बार रेशनल नंबर का रिवीजन करवा दूं, बिकॉज जो भी छोटा फूटा चीज है वो आपके माइंड में आ जाए। तो देख लीजिए क्या होता है रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया नंबर, कंडीशन एक फॉलो करनी है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दैट्स मीन कि क्यू जो है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। पहला क्या होता है भाई, निगेटिव, और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव। अब बेटा देखो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब सेम साइन मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। कौन कौन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो साइन है वो क्या होना चाहिए, तो सेम साइन होना चाहिए, तब वो जो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है नहीं बेटा, वो हमें ज़रूर बताना, बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। आगे प्रॉब्लम हो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उसको सॉल्व कर लें, पहले उस डाउट को क्लियर कर लें। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ लें, ईमेल आईडी के थ्रू पूछ लें, या फिर आपके सामने जो है आप अपनी स्क्रीन पे देखें नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां से भी पूछ सकते हैं। चलिए निगेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे आइदर का केस आता है। आइदर का केस किसके साथ, तो निगेटिव के साथ, या तो न्यूमरेटर में और नहीं तो डिनोमिनेटर में, ठीक है। या तो न्यूमरेटर का साइन निगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव हो, तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल करता है। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, अभी आपका रिवाइज हो गया होगा। अब हम आते हैं उससे आगे। अभी हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी की। तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी आप देख लें, अगर इस रेशनल नंबर को किसी सेम नंबर के साथ क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, सेम होता है। किसके सेम होता है, तो रेशनल नंबर के। यही हमारा इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल भी आप देख लें। 4/3, मैंने क्या किया, 4 into 4
अपॉन 3 इंटू 4 क्या आया 16 अपॉन 12। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमें लाना तो क्या है 4 अपॉन 3। तो इसको जानने से पहले आपको एक जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो देखो जब मोर देन टू और टू नंबर्स को हम किसी नंबर के साथ इस तरह डिवाइड करते हैं कि उसका जो कॉमन डिवाइजर है वो अदर देन वन ना हो। मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो नंबर होता है जिसको जिससे अगर हम उस नंबर को डिवाइड करें तो जो हमारा रिजल्टेंट हो वो जो है उसका क्या हो कि उसका कॉमन डिवाइजर वन के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज मेरे पास नंबर है 21 और 35, इसका अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा डिवीजन मेथड बेटा कहलाता है। डिवीजन मेथड से हम आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे निकालना बता रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं तो हमको जरूर से जरूर बताइएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स कितना होगा 21, माइनस करेंगे क्या होगा 4 और 3 माइनस 2 1 अगेन डिवाइडेड। अब इसके डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं, मैंने 21 को यहां क्या कर दिया, सॉरी इसके डिवाइजर से हम इसको डिवाइड करते हैं, डिविडेंड इसका जो डिवाइजर होता है वो यहां पे क्या बन जाता है, तो यहां पे डिविडेंड बन जाता है। अब 21 को कितने टाइम्स, 1 टाइम्स क्या आएगा 14, 11 माइनस 4 व्हाट, 11 माइनस 4 व्हाट, तो 11 माइनस 4 7 और ये क्या हो गया कैंसिल आउट। अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और ये 14 डिविडेंड, ये 14 क्या आ गया 2 टाइम्स 14 0। अब ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जिसमें जिसको हम डिवाइड अगर किसी नंबर से करते हैं तो वो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। सो वी कैन से 7 इज द एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 35 दिस टू नंबर्स। ओके, अब यहां पे सेम कंडीशन है। अब इसको क्या करना है, इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसका जो कॉमन डिवाइजर होता है वो केवल और केवल 1 आता है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता। और तब जाकर के जो नंबर हमें मिलता है वो कौन सा नंबर मिलता है, p by q का मिलता है। वो कैसे, देखो 12 और ये 16 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स क्या आएगा रिजल्टेंट 4 डिवाइडेड 12 क्या आएगा 3 12 क्या आ गया। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं 4 को HCF, और जब हम इस HCF के साथ डिवाइड कर रहे हैं इसको 16 अपॉन 4 अपॉन 12 अपॉन 4 क्या आएगा, 16 से कितने टाइम्स तो 4 टाइम्स, 4 से कितने टाइम्स तो 3 टाइम्स, देखो वही नंबर आ गया। दैट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि जब किसी नंबर में हम क्या करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर रिजल्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, तो वही हमारा रेशनल नंबर होता है जो मैंने शुरू में लिया था। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। अब एक चीज आप यहाँ पे और जान लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पे एक चीज और आपका क्लियर हो जाएगा, इसको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, अब देखिए ये एक ऐसा नंबर आपके पास आया और जो हमने रेशनल नंबर लिया था, एक्चुअली मैं उसकी भी बात कर लूं तो जो आपका रेशनल नंबर है और जो अभी रिजल्ट आया 4/3, ये एक ऐसा नंबर है जिसका कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 के अलावा 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 4/3 का केवल और केवल 1 क्या है, कॉमन डिवाइजर है, इसके अलावा इसका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। इसलिए इस 4/3 को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट,
रेशनल रेशनल नंबर। क्लियर? आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आप कैलकुलेट करके बताइए, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन बताना है कि उस तरह का रेशनल नंबर जिसका कॉमन डिवाइजर एक के अलावा कोई दूसरा ना हो, तो उस तरह के रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल सा मैंने बताया कि सबसे पहले उस नंबर का आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और फिर उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है वो आता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे दो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी की, वो सेम प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी इसी में सारे को डिस्कस कर चुका, बट यहाँ पे एक बार और आप देख लीजिए। अगर कोई नंबर है इसको हम सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, सेम नंबर मैंने ले लिया 4/3, अब मैंने 4 को कितने से डिवाइड करा, तो 4 के साथ, और 3 को मैंने डिवाइड करा कितने के साथ, 4 के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वही रेशनल नंबर आता है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, जैसे 4 4/4 × 3/4, तो ये क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर जो है इसका न्यूमरेटर, और इसका न्यूमरेटर जो है इसका डिनोमिनेटर, मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है 4/3। अब देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया, 4/3। तो यहाँ पे आपके साथ जो मैंने आज डिस्कस करा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, कि जब किसी रेशनल नंबर में हम सेम नंबर के साथ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशनल नंबर जो होता है वही होता है जो मैंने प्रीवियसली यूज किया था। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जब किसी रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, देन आफ्टर जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट भी हमारा सेम वही रेशनल नंबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की कहलाती है। और तीसरा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, उसको निकालते कैसे हैं, वो होता क्या है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 नहीं होता, मतलब जिसका कॉमन डिवाइजर केवल और केवल 1 होता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है दो नंबर का, और दो से अगर मोर देन 2 नंबर्स है तो उन सारे नंबर्स का आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, और उस एचसीएफ के वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करनी है, और देन आपका रिजल्ट जो आएगा वही आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए इसका आपको कॉमन डिवाइजर दिख रहा है क्या, 4 और 3 का कोई ऐसा नंबर बताइए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सके, कोई ऐसा नंबर नहीं है एक को छोड़कर, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन सॉरी ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहलाएगा। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया। अगले क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, ताकि आप जो है क्वेश्चंस को देखते ही देखते क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या कोई भी डाउट है, या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।